अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भगवान, ये क्यों? इसका मतलब खुशी सही थी, वो गुरुजी भी सही थे, ये माया। हमारे घर में सच में बुरा सा है। अब क्या करें? समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करें? रुद्र जी, हमें हमारे शिष्य ने सब कुछ बता दिया है। उसके मुताबिक तुम्हारे घर में बहुत गहरा संकट छाया हुआ है। अब सही कह रहे हैं गुरुजी, वो जो माया है वो एक चुड़ैल निकली। हमारे पति की जान बहुत खतरे में है। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हम जानते थे बेटा कि तुम्हारे घर में कोई बहुत बुरा और खतरनाक साया है, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था अपनी बात को साबित करने का। लेकिन तुम निश्चिंत रहो बेटा, तुम्हारे घर और तुम्हारे पति को हम कुछ नहीं होने देंगे और उस बुरे साये को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। गुरुजी हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ कर सकते हैं हम? उस काली शक्ति से लड़ने के लिए हमें कुछ सामग्री तैयार करनी होगी। आज शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा और उस चुड़ैल को घर से बाहर करूंगा। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ बेटा। विजयी भाव, शाम की तैयारी करो। अब तक आए क्यों नहीं? क्या वजह है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे? अभी को लेकर परेशान है रुद्र जी। आपकी तबीयत सुधर ही नहीं रही और दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ओके? रिलैक्स। Thank you.
रुद्र जी क्या हुआ? रुद्र जी, रुद्र जी, ए बच्चों, 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 उठो, रुद्र जी, एक 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 मिनट, कमरे में ले चलिए। रुद्र जी, रुद्र जी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, रुद्र जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ए बशुआ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बोले बाबा है, बोले बाबा सबसे बड़े, उससे बड़ा कोई नहीं। देखिए होश आ गया जी। मैं क्या कर रहा हूं? हम सब तो नीचे थे। सब लोग यहां जी? जी हम जरा नीचे देख कर आते हैं। हाँ बचवा, आप नीचे ही थे, वहां बेहोश हो गए एकदम से, तभी तो हम आपको सहारा देके यहां आए। बच्चों हम एक काम करता हूँ, हम डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो चेकअप कर लेगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। दादू, दादू प्लीज, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर को बुलाने की। एक तो आप हमारी बात मानता क्या ही नहीं है। देवान बच्चा आप समझाइए, आप एक बात शायद मान लें। दादू मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप चिंता मत कीजिए। तुम निश्चिंत रहो बेटा, तुम्हारे घर और तुम्हारे पति को हम कुछ नहीं होने देंगे, और उस बुरे साए को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। रुद्र जी सही कह रहे हैं, इन्हें बस थोड़े से आराम की जरूरत है। देवयानी बेटा, अब तो रुद्र जी भी ठीक है, नीचे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, पूजा का समय हो गया है ना, मुहूर्त बीता जा रहा है, तो आ जाओ नीचे।